हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया है समाकलन ज्ञात करना 1/(x-x)^3 dx का। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा आता है और 2023 के बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जहाँ पर भी आपको 1/(1/)में दिखेगा और हमारा अर्थमेटिक के रूप में देखेगा, एक्स के रूप में, एक्स स्क्वायर के रूप में, एक्स क्यूब के रूप में, तो समझ जाइएगा कि ये आंशिक भिन्न का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग आंशिक भिन्न का उपयोग करके, आंशिक भिन्न के फॉर्मूला का उपयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जहां पर आंशिक भिन्न का हम लोग क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसको 1/, देखिए इस प्रकार के रूप में नीचे दिया है 1/(x) और एक -(x^3) दिया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x इसमें से कॉमन कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा x^2 dx हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ पर a²-b² के फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1-x और ये हो जाएगा 1+(x) dx। ये वाला हमने 1-x और 1+(x) इसको a² हमने इसको b² मान दिया, तो वो एक क्वेश्चन में 1-x और एक क्वेश्चन में 1+(x) हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को तीन फलन मिल गया, तीनों फलनों को आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, आंशिक भिन्न का उपयोग करेंगे। आंशिक भिन्न करने के लिए 1/(x), अब आंशिक भिन्न करने के लिए 1/(1-x) और एक में दिया है 1+(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/(x) + b/(1-x) + c/(1+x)। ठीक, अब हम तीनों को क्या कर लेंगे, तीनों में a b c का मान ना कर देंगे, इतना को हम लोग इतना में रख सकते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों का लसल ले लीजिए, तो लसल ले लेंगे तो x 1-x और ये हो जाएगा 1+(x), यानी x से जब इसमें हम लोग गुणा कराएंगे, ठीक, तो x में इससे हम लोग गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा a गुणा हो जाएगा 1-x² से प्लस b का जब कराएंगे तो गुणा हो जाएगा 1+(x)x से प्लस c में जब गुणा कराएंगे हम, तो c में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1-x(x). ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 1/(x)(1-x) और ये हो जाएगा 1+(x)। अब यहाँ से नीचे वाला पार्ट हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आंशिक भिन्न का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ a में इन सबसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a-ax² b में इनसे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, b में 1 से कराएंगे तो b और x से कराएंगे तो bx, b में x से कराएंगे तो bx और bx में x से कराएंगे तो bx² प्लस c में 1 से कराएंगे तो c और x में कराएंगे तो cx और c में -x से कराएंगे तो -cx² हो जाएगा। ठीक, अब जहां जहां स्क्वायर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, एक में पुट कर देंगे तो x² को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ पर -a हो जाएगा और यहाँ पर +b हो जाएगा और यहाँ पर -c हो जाएगा। अब हम लोग x के गुणांक को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर है तो ये हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा c, और जो जो सिंगल वाला है उसको हम लोग एक में ले लेंगे, यानी केवल हमारा यहाँ पर a बच रहा है उसको हम लोग सिंगल में ले लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होता है गुणांकों की तुलना करते हैं, गुणांकों की तुलना करने पर, जब हम लोग गुणांकों की अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 है और यहाँ पर हमें दिया है -a+(b-c)=0, ये इक्वेशन नंबर हमारा हो जाएगा 1। अब जब x की गुणांक की तुलना करेंगे तो इधर भी x का गुणांक क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा b+c=0 और थर्ड नंबर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x^0 का गुणांक क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, अब यहाँ पर हमको तीन इक्वेशन मिल गया, तीनों को सॉल्व करेंगे तो a और b और c की वैल्यू हम लोग की ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ डायरेक्ट निकल गया है, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने पर, पुट करें तो एक पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 b + b-c = 0, यानी कि
बी माइनस सी इज इक्वल टू हो जाएगा एक। ठीक, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 इसको मान लेंगे, ये हो जाएगा 2, 3, ये 4। 2 और 3 को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बी प्लस सी है 0 है, यहाँ पर बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 है, यानी इक्वेशन 2 को और 4 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी यहाँ पर दिया है और यहाँ पर दिया है बी माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 है तो 0 प्लस 1, यहाँ से देखिए सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू 1, यानी कि b की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक, b की वैल्यू 1/2 हो गया। c की वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारा c का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि हमारा b इक्वल टू माइनस सी, तो यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी के बराबर, और b की वैल्यू हमने निकाला 1/2, यानी c की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इस प्रकार से a की वैल्यू हमारी आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 1/2 और c की वैल्यू आ गई -1/2। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में आंशिक भिन्न में a और b और c को पुट कर देंगे, यानी कि हमारा समाकलन 1/(x, 1 - x, 1 + x) का मान हो जाएगा 1/(x) समाकलन प्लस 1/(x, -1/2, 1 + x) हो जाएगा dx। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 कंस्टेंट है तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/(x) dx का समाकलन प्लस 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/(1 - x) का समाकलन प्लस ये हो जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा समाकलन आप 1/(1 + x) dx का समाकलन। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग को सभी का समाकलन पता ही है, 1/(x) का होता है log x प्लस 1/2, ये भी 1/(x) के रूप में है, 1 - x के रूप में है, तो इसको जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा इंटू माइनस log 1 - x का समाकलन माइनस 1/2, और ये हो जाएगा log 1 + x का समाकलन। ठीक, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा log x प्लस या माइनस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 log 1 - x, ये हो जाएगा माइनस 1/2 log 1 + x। अब यहाँ पर देखिए माइनस 1/2 माइनस 1/2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1/2 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 - x, और प्लस में हो जाएगा log 1 + x। अब यहाँ पर हम लोग चूँकि फार्मूला जानते हैं कि log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू एन, एम और एन का आपस में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ सर लॉग एम और एन को आपस में गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1/2, ये हो जाएगा log 1 - x इंटू 1 + x। ठीक, यानी कि ये आगे वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, log x माइनस 1/2 log 1 - x² का फॉर्मूला के बेस पे हो जाएगा। ठीक, अब प्लस में इसमें हमारा क्या हो जाएगा, सी जो हमारा कंस्टेंट है वो हमारा जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से हमारे दिए गए फलन का आंसर यही आएगा। तो दिए गए आंशिक भिन्न का मेथड का उपयोग करके हम लोग दिए गए क्वेश्चन को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक्स और एक्स माइनस क्यू को हम लोग एक्स कॉमन किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, आंशिक भिन्न को इसको अलग अलग ए बी और सी के पार्ट में बांट किया, और यहाँ ए और बी और सी की वैल्यू हमने ज्ञात की और इसमें पुट कर दिया, उसका समाकलन निकाल कर उसको तोड़ ताड़ कर सिंपल रूप में हमने ला दिया। तो इस प्रकार से दिए गए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे 2023 के परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम आपको ये सॉल्व करा दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी ये वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो 2023 के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।